हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है स्मश प्लगइन वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्मश प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करता है और इमेज कंप्रेस करने के लिए इसका यूज कैसे करते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। तो वहां जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डैशबोर्ड ओपन कर रखा है वर्डप्रेस का। आज हम बात करने वाले हैं स्मश प्लगइन के बारे में, जो कि हमारे ऑन पेज एसईओ में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये प्लगइन जो है वो हमारी वेबसाइट में जितने भी इमेजेस हैं उन सबको कंप्रेस करने के लिए काम में लेते हैं। तो इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो इम्प्रूव होती है, और इससे हमारा ऑन पेज एसईओ भी इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी वेबसाइट जो है गूगल पर रैंक करने में आसानी रहती है। तो इस वीडियो में हम स्मश प्लगइन को यूज करके इमेज को कंप्रेस कैसे करते हैं वो देखेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। तो जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि हमें इस प्लगइन को क्यों यूज करना पड़ रहा है और इससे इमेज कंप्रेस करने से क्या फायदा होता है। तो इसके लिए हम नोटपैड में आ जाएंगे। जब भी हम वेबसाइट पे कोई इमेज अपलोड करते हैं तो उसका एक रिजोल्यूशन होता है और एक साइज होती है। रिजोल्यूशन यानी कि 3456x2500 पिक्सल, और इस रिजोल्यूशन की जो इमेज बनती है वो हमारे समझ लो 12 MB की है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हमारे वेबसाइट को इमेज को लोड करने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ऐसे में वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होगा और गूगल में इसको रैंक होने में भी दिक्कत आएगी। तो ऐसे में हमें यहाँ पे इमेज की साइज को कम करना होता है, लेकिन इमेज की साइज को कम करने के लिए हम इसका जो रिजोल्यूशन है वो कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें सिर्फ साइज को कम करना होता है। तो इसके लिए हम स्मश प्लगइन का यूज करेंगे, जो कि हमारे इमेज के रिजोल्यूशन को कम किए बिना हमारी जो इमेज की साइज है उसे कम कर देगा। तो जब हम स्मश प्लगइन का यूज करके इसे कंप्रेस करेंगे तो इसकी साइज जो है वो 160 KB का हो जाएगा। 160 KB मतलब 0.16 MB। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 MB से भी कम हो जाएगा इसकी साइज जो है। अभी 12 MB है, ये आप देख सकते हैं, और 1 MB का मतलब 1024 KB होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 MB से भी कम है, वो सिर्फ 160 KB है। अब ऐसा नहीं है कि स्मश प्लगइन ही है जो इमेज कंप्रेस के लिए यूज में लिया जाता है। यहाँ पे आप जो भी नीचे लिस्ट देख रहे हो प्लगइन्स की, वो सारे इमेज कंप्रेस करने के लिए ही काम में लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नाम, स्मश इमेज ऑप्टिमाइजर, टाइनी PNG, रिस्मश 8, EWWW, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ऑटो ऑप्टिमाइज, WP कंप्रेस, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, और कंप्रेस JPG एंड PNG इमेजेस, ऑप्टिमस इमेजिफाई भी बहुत ज्यादा काम में आता है, और इनसेनिटी भी बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, क्रैकन इमेज ऑप्टिमाइजर। तो ये सारे इमेज को कंप्रेस करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में स्मश का यूज करके इमेज को कंप्रेस करेंगे। तो अब हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर होवर करेंगे और यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लगइन सर्च कर लेंगे स्मश। तो यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हैं, इसकी सबसे अच्छी रेटिंग है और ये सबसे ऊपर आ रहा है स्मश प्लगइन। इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और अब एक्टिवेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हम चलते हैं स्मश के डैशबोर्ड में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मश का ऑप्शन आ रहा है, इस पे होवर करेंगे तो ये साइड में ये खुल जाएगा और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमें सेटअप कंप्लीट करने को बोल रहा है, क्योंकि हमने ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, तो मैं इसे एक बार स्किप कर लूंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% दिखा रहा है, यानी कि मीडिया लाइब्रेरी में कोई भी इमेज हमने ऑप्टिमाइज नहीं करी है, और यहाँ पे टोटल सेविंग्स भी 0% है, आप देख सकते हैं। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये हमें कुछ रिकमेंडेशन देता है, आप देख सकते हैं 23 इमेजेस है जो कि हमें
कंप्रेस करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे बल्क स्मैश पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे एक बार और क्लिक करेंगे तो ये शुरू हो गया। आप देख सकते हैं अभी 4% हुआ है। ये यहाँ पे भी परसेंट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 11 इमेजेस हो चुकी है, अब 12। तो अब 100% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इमेजेस स्मश्ड लिखा हुआ है 79, जबकि वहां पे था 23। और हमारी टोटल सेविंग्स है 25.4 KB, यानी कि इतना स्पेस हमने बचा लिया है। लेकिन यहाँ पे 79 इमेज को कंप्रेस किया है ऐसा शो कर रहा है, जबकि हमने बल्क स्मश पे क्लिक किया था तब सिर्फ 23 इमेजेस थी। तो ये कैसे हुआ देखते हैं। तो अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज साइजेस, यहाँ पे अभी ऑल पे क्लिक करा हुआ है तो हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। जब भी हम वेबसाइट में कोई इमेज अपलोड करते हैं तो उसके अलग अलग वेरिएशंस बन जाते हैं, जैसे कि थंबनेल, मीडियम, लार्ज, ये सब वेरिएशन बन जाते हैं। तो ये इन सब को कंप्रेस करता है, इसलिए यहाँ पे 79 इमेजेस आए। और यहाँ पे हम किसी को भी अगर अनचेक करते हैं तो वहां पे 79 इमेजेस से कम इमेज कंप्रेस होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑल ही रखूंगी। और अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कंप्रेशन ये ऑन है, अभी आपको ऑन ही रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ताकि हम फ्यूचर में जब भी कोई वेबसाइट पे इमेज अपलोड करें तो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगी। और इसके नीचे जो भी सेटिंग्स है उनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, और अगर करते हैं तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब स्क्रोल अप करेंगे और यहाँ पे स्मश मोड आप देख सकते हैं, हमने जो भी स्मशिंग की थी इमेजेस की वो बेसिक में की थी। आप चाहे तो और भी अगर कंप्रेस करना हो इमेज को तो यहाँ पे सुपर सिलेक्ट करना है, और अल्ट्रा करना हो तो ये प्रो वर्जन है इसका। अगर सुपर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक ही सिलेक्ट कर लूंगी। और हाँ गाइस, स्मश के अंदर एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि है लेजी लोड, इस पे क्लिक करेंगे। अभी ये इनएक्टिव है, इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेजी लोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेजी लोड का मतलब है कि हमारे वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं और पेजेस के अंदर इमेज भी होता है और टेक्स्ट भी होता है। अब जैसे हमारी वेबसाइट जो है वो ऐसी जगह पे खोली जाए जहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो हो, तो ऐसे में हमें क्या होगा कि टेक्स्ट जो है यूजर को वो पहले शो हो जाए, पेज लोड होके टेक्स्ट पहले शो हो जाए और इमेजेस जैसे जैसे वो स्क्रॉल डाउन करेगा तो उसे इमेज शो होती रहेगी। तो ऐसे में यूजर को इमेज लोड होने तक वेट नहीं करना पड़ेगा, वो टेक्स्ट रीड करना शुरू कर सकता है। अब क्योंकि पेज हमारा लोड हो चुका है, ऐसे में हमारे गूगल पे जो पेज स्पीड होती है वो भी बेटर हो जाती है, तो इसलिए आपको इसे एक्टिवेट रखना है। अब हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और हाँ, डिस्प्ले एनिमेशन में आप देख सकते हैं फेड इन है, स्पिनर है, प्लेस होल्डर है और नन है। आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी स्पिनर रखें या फिर नन रखें। उसके बाद यहाँ पे इधर भी कोई चेंजेस नहीं करना है, और फिर स्पिनर रख रहे हो तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है तो ये हो जाएगा। तो आप जब भी स्मश प्लगइन यूज करते हैं तो आपको याद रख के लेजी लोड को एक्टिवेट करना है। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल स्मश प्लगइन पे। और गाइज, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी वेब होस्टिंग के डिस्काउंट लिंक की, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको स्मश प्लगइन का प्रो वर्जन चाहिए तो उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।